जनगण मन नमो। दोस्त, जो एक खून करता है वो खूनी होता है, और जो 100 खून करते हैं वो भागी बनते हैं। क्या बुरा है देखो, 15 साल लग जाता है एक को ग्रेजुएट बनने का, और 2-3 साल बाद एक पोस्ट ग्रेजुएट बनता है, फिर नौकरी ढूंढते ढूंढते 2-4 साल 5 साल काट जाता है, बीत जाता है, फिर कोई ढंग का काम तो नहीं मिलता, जॉब तो नहीं मिलता, हकड़ बन जाता है। एक झोला लेके चलो रेल स्टेशन, रेलगाड़ी, 10-20-50 कमा लेते हैं, जिंदगी का 20-25 साल ऐसे ही तो बीत जाते हैं, एक ढंग का काम भी नहीं मिलता। और देखो दोस्त, वो माइनिस्ट को देखो जो आजकल सरेंडर कर रहा है। 2 दिन पहले किया ना रंजीत और उसका वाइफ अनिता, आ 100 को मार दिया, वो मार दिया एक स्कूल टीचर का, वो मार दिया एक पुलिस ऑफिसर को, समुदी बासु पार्थो विश्वास, उसका फैमिली ने उसको खो दिया, उसको वाइफ ने खो दिया, उसके बच्चों ने उसको खो दिया, लेकिन ये गवर्नमेंट ये माओस्ट के साथ सरेंडर पॉलिसी किया, इनहैबिलिटेशन पॉलिसी। गॉड, जो इतना खून करता है, इतना अपहरण, इतना कुछ, उसके साथ समझौता। अरे क्या माओस्ट सरेंडर किया और ये गवर्नमेंट सरेंडर किया, मुझे समझ में नहीं आता दोस्त। मुझे ये समझ में आता है जरूर, तो क्यों इस देश का एक युवा इतने साल पढ़ाई लिखा क्यों किया, फिर भी नौकरी नहीं मिलता, और वो तो लोग जन के मार के इतना बुराई काम करके उसका स्टाइपेंड मिल रहा है, लैंड मिल रहा है, अच्छा जिंदगी मिल रहा है, सिक्योरिटी मिल रहा है, और तो और चीफ ऑफ द पुलिस एडमिनिस्ट्रेटर के साथ फोटो भी खींच रहा है। हाँ, क्या मजा, देखो दोस्त। गवर्नमेंट के मैं पूछना चाहता हूं, टीम इंडिया पूछना चाहता है, क्या आपका क्षमता नहीं हुआ माओस्ट का दमन करने का, सरेंडर पॉलिसी घोषणा कर दिया, घोषणा कर दिया सरेंडर। अरे वो क्या सरेंडर कर गया, आपने आप तो आप ही सरेंडर कर दिया हो माओस्ट के सामने। दोस्त को दमन करना ही चाहिए, सरेंडर नहीं करना चाहिए। अब जो टेररिस्ट है ना, ऐसा ही पॉलिसी जो आप रख देंगे ना, वो टेररिस्ट एक पोटेशन में लेके आ जाओ, सरेंडर कर दो, 25,000-50,000 मिल जाएगा। क्या बात है यार, तो क्या होगा 2 दिन बाद इस देश का युवा वो AK-47 खरीद लेंगे, सरेंडर कर देंगे और बोलेंगे हे मैं बागी हूं, 100 को मारा, अच्छा नहीं लग रहा। जब इस स्टेट का जो पुलिस चीफ के सामने एक माओइस्ट बोल रहा है मुझे माफ कर दो, मैं थोड़ा खून खराबी कर दिया, हा क्या बात, उसको माफ हो गया। पूछो सौम्यजीत बासु को, वाइफ से पूछो, वो माफ क्या किया, हाँ माफ चाहो तो उसके साथ, अरे क्या किसका माफी, इसका खून का सजा तो होना ही चाहिए, ऐसे नहीं दोस्त, ऐसा चलेगा तो खड़ा भी होगा। अच्छा, ऐसा जनगण मन नमो।